क्रांतिकारी संघ हरियाणा जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। सर्व क्रांतिकारी संघ हरियाणा जिंदाबाद जिंदाबाद, सर्व क्रांतिकारी संघ हरियाणा जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो हम एक हैं, तिब्बत वॉरियर्स कानून एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद। कुछ दिनों पहले उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का बयान आया था कि नियमों को ताक पर रखकर रजिस्ट्री करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसको लेकर पूरे हरियाणा में पटवारियों द्वारा धरना दिया जा रहा है। और आज यही वजह रही कि पानीपत में भी पटवारियों द्वारा लघु सचिवालय में धरना देकर रोष प्रदर्शन किया गया। उनका कहना है कि पटवारी का 7A की रजिस्ट्री में किसी प्रकार का कोई काम नहीं होता, पटवारी का इन रजिस्ट्रियों में कोई भूमिका भी नहीं होती, जबकि पटवारी को सरकार की ओर से बेवजह परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पटवारी का काम जो होता है उसे सही तरीके से किया जा रहा है। वहीं आज रोष प्रदर्शन करते हुए दी रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन हरियाणा के प्रधान अरविंद कुमार ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। 7 फरवरी को अखबारों से और सोशल मीडिया के माध्यम से ये पता लगा था कि भाई 7A की रजिस्ट्रियों में कुछ कर्मचारियों और अधिकारियों को दोषी ठहराया गया था, जिसके अंदर पटवारी भी एक कर्मचारी इसमें शामिल किया गया था। हमारी यही सरकार से भी एक वो अपील है कि भाई पटवारियों का रजिस्ट्रियों में, चाहे वो 7A की हैं चाहे दूसरी हैं, उनमें कोई लेना देना नहीं होता। पटवारियों को इसमें खाम का घसीट करके बलि का बकरा बनाया जा रहा है। हमारी सरकार से यही अपील है कि भाई इसमें जांच करके, जो बिना जांच किए जो लोगों के नाम लिए गए हैं वो बिल्कुल गलत हैं, जबकि उनको जांच में शामिल भी नहीं किया गया, ना कोई हमें पता लगा भी कोई जांच की गई है। और आरोप ये लगाए गए हैं उसके अंदर कि भाई पटवारियों ने ज़मीन का नेचर चेंज कर दिया। पहली बात तो ज़मीन का नेचर चेंज करना कोई ऐसी बात है नहीं, साधारण सी बात है, ये एक साधारण प्रक्रिया है। प्रक्रिया ये है कि पटवारी साल में 2 बार गिरदावरी करता है मौका पर जा करके, हर एक खसरा नंबर के ऊपर जो मौका पर फसल होती है या कोई भी चीज़ बनी होती है उसका इंदराज सरकार या पटवारी अपने खसरा गिरदावरी में करता है। इसको आधार मान करके सरकार ने जो है ना पटवारी को 7 सेक्शन 7 में चार्जशीट करने के लिए प्रत्येक DC को लिखा है हरियाणा के, भाई उसके अंदर इनको 7 सेक्शन में चार्जशीट करके और एक्शन टेकन रिपोर्ट भेजी जाए। तो हम उसके विरोध में हमारे स्टेट कार्यकारिणी का जो है ना 2 दिन का इसका धरना प्रदर्शन की जो काल हुई है, जिसके अनुरूप हमारा जो जिला पानीपत आज पूरे पटवारी कानों को अपनी 100% हाजिरी के साथ आज यहां धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं पटवारी ने कहा कि उन पर जो आरोप लगाए गए हैं उससे उनकी छवि पर काफी असर पड़ रहा है। सरकार का अपना व्यक्तिगत उद्देश्य है कि उन्होंने जो रजिस्ट्री का डाटा है ये कहाँ से लिया है और किस उद्देश्य के लिए है, ये सरकार की व्यक्तिगत मंशा है, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। किंतु ये अवश्य कहना चाहेंगे कि 7A के जो नियम है वो केवल सब रजिस्ट्रार के लिए कुछ हिदायतें थी रजिस्ट्री करने के संबंध में, जो पटवारी के साथ उनका कोई संबंध नहीं है, वो हिदायतें पटवारी के लिए नहीं है और ना ही पटवारी इस कार्य में अपनी कोई संलिप्तता दिखा सकता है। पटवारी नियमानुसार अपनी गिरदावरी करता है और हरियाणा सरकार के भी ऐसे ही आदेश है कि पटवारी नियमानुसार गिरदावरी करे और उसका इंदराज अपने खसरा रजिस्टर में करे, यही पटवारी ने किया है। जैसा कि हमारे जिला प्रधान श्री अरविंद जी ने बताया कि यह एक नॉर्मल प्रोसेस है, उसी को पटवारी हर समय हर गिरदावरी में साल में 2 बार उसको फॉलो करता है और समय समय पर उसकी जाँच भी होती है उस अधिकारियों के द्वारा और उसमें ठीक पाया जाता है तो ही उसको खसरा रजिस्टर का मामला ठीक माना जाता है। लेकिन सरकार ने किस आधार पर निराधार बनाकर बिना किसी जांच एजेंसी के पटवारियों के नाम सहित प्रकाशित कर दिए हैं, ये एक पटवारियों की छवि पर एक आघात है। हम इससे काफ़ी, हमारी जो छवि जो धूमिल हुई है, हम इससे काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि सरकार अगर बाद में हमारे खिलाफ़ जो दोष हैं उनको वापस ले भी लेगी तो उनके इस ऐसे बयान से जो हमारी छवि धूमिल हुई है, जो प्रभाव हमारे प्रति जनता के बीच में जो नेगेटिव प्रभाव गया है वो वापस तो नहीं आ सकता, और उस प्रभाव से ही हम उस दोष से ही मुक्त होने के लिए आज हमारी जिला जो राज्य कार्यकारिणी है जिला वाइज आज ये धरना दिया जा रहा है
और यह तब तक अनिश्चितकालीन रहेगा जब तक सरकार का या सरकार के किसी प्रतिनिधि का पटवारियों की इस कार्यप्रणाली से संबंधित कोई हमारे हित में बयान नहीं आता। और हम तो इस बात से आहत है कि यदि ऐसा कोई धरना ये कि इस डिपार्टमेंट को छोड़ के डॉक्टर्स या किसी और डिपार्टमेंट का होता तो शायद अब तक कोई ना कोई सरकार का किसी प्रतिनिधि का या सरकार का या किसी भी मंत्री का कोई ना कोई पॉजिटिव बयान अब तक का आ चुका होता। लेकिन उन्होंने अपने ही जो उनकी एक जांच एजेंसी है जिस प्रकार से उन्होंने जिसको उन्होंने जैसे डाटे दिए हैं आंकड़े दिए हैं वो उन्होंने उस हिसाब से बोला है। लेकिन उस बारे में हमारी टिप्पणी यही है कि हमारे एक पटवारी का जो कार्य है गिरदावरी में जो नेचर ऑफ इसका ये जो भूमि की किस्म बदलने का जो कार्य है इसकी जांच कराएं, उन्हें स्वयं पता चल जाएगा कि पटवारी की इसमें कोई भागीदारी नहीं है। पटवारियों द्वारा दो दिन के लिए ये धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।